वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और वक्त हो गया है आपके सवालों के जवाब देने का। हेमंत उसिकी, सीईओ वाइस इन्वेस्ट, और विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लाइव दर्शकों से जुड़ेंगे और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस पेशकश में। और संदीप हमारे पहले दर्शक विश्वजीत के लिए जुड़ भी गए हैं फोन लाइन पर। संदीप नमस्कार, गुड इवनिंग, धन्यवाद अपना सवाल हम तक पहुँचाने के लिए। बताइए आपके पोर्टफोलियो में फिलहाल कौन कौन से फंड्स हैं? मैंने आप जरिए लिस्ट भेजा है मैडम, मेरा 1,60,000 पर मंथ एसआईपी चल रहा है जी। सर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है आपके पास, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज, आईसीआईसीआई इक्विटी डेट, एसबीआई कॉन्ट्रा, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, निपॉन स्मॉल कैप। और आपको प्रेजेंट तो 2 CR है आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू, आप इसको बढ़ाकर 5 करोड़ करनी है अगले 4 सालों में, राइट सर? 5 करोड़ 2028 तक, मतलब 2028 यू कैन से दैट इज माय प्लान। ओके ओके। और कोई खास पर्पस की वजह से आप ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना रहे हैं? कोई खास फाइनेंशियल गोल है? नो, आई एम 55, तो रिटायरमेंट पर्पस। ओके। और 5 CR आपके लिए काफ़ी होगा, आपने पूरी अपने रेगुलर एक्सपेंसेस की प्लानिंग कर ली है, जो शायद इस पोर्टफोलियो से आपको आपको लेनी होगी सहायता, आपकी वो प्लानिंग है? सॉरी, ओके ठीक है एंड ठीक है, ओके परफेक्ट। विश्वजीत आपके पास आऊँगी, तो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग को लेके काफ़ी दुरुस्त साउंड कर रहे हैं। 5 CR 2028 तक फंड मिक्स आपके पास है, निवेश की राशि और कितनी बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी? हाँ कविता जी, देखिए इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो काफी डाइवर्सिफाइड है, बहुत अच्छे फंड्स का चुनाव किया हुआ है, तो मैं संदीप जी को मुबारकबाद देना चाहूंगा। संदीप जी, काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपने बनाया हुआ है, और मार्केट के रिस्क एंड रिवॉर्ड को भी देखें तो आपने काफी हाइब्रिड फंड्स ले रखे हैं, तो मेरे हिसाब से अच्छा पोर्टफोलियो है, आप इसमें बिल्कुल निवेशित रहें। जहां तक कि आपके गोल का सवाल है कि जो आप 5 करोड़ आप क्रिएट करना चाहते हैं, तो और 2 करोड़ आपने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो 1.5 लाख की आप SIP कर रहे हैं, जो भी एक अच्छी रकम है, तो 1.5 लाख की SIP अगर आप 5 साल के लिए भी करते हैं तो 1,23,00,000 के करीब बन जाता है। और अगर हम उस 2 करोड़ पर जो आपने कॉर्पस क्रिएट किया हुआ है, तो वो भी एक अच्छा खासा 3.5 करोड़ के करीब कॉर्पस बन जाता है 5 साल के बाद, अगर हम 12% का CAGR लेके चलते हैं, तो थोड़ा सा एक गैप रह जाता है, 4.25 करोड़ के करीब हम पहुंच जाते हैं, 25-26 लाख का गैप रह जाता है, तो वो अगर हम लेके चले उसके लिए SIP, तो करीब 20-25 हज़ार की SIP अगर आप स्टार्ट करें तो ये गैप भी आप कंप्लीट कर सकते हैं जो 25 लाख, क्योंकि समय थोड़ा छोटा है, टाइम होराइजन केवल 5 साल का है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 25 हज़ार की SIP और करें, हो सकता है मार्केट में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए, आप इसी SIP से आप अपना गोल अचीव कर लें, बट क्योंकि हम 12% का CAGR लेके चल रहे हैं तो थोड़ा सा शॉर्टफॉल है, और समय अवधि जो है वो भी 5 साल है, तो आप 25 हज़ार की SIP आप स्टार्ट करें, ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद आपका पूरा 5 करोड़ का जो गोल आपने रखा है वो बिल्कुल अवश्य पूरा होगा, और जो फंड्स आपने चुनाव किए हैं बहुत अच्छे हैं, उसमें निवेशित रहें। 1000 की आपको SIP और करने की सलाह तो यहाँ पे दी गई है, लेकिन विश्वजीत क्योंकि हम 2028 की बात कर रहे हैं, बहुत दूर समय नहीं है ये, इनको और 3 करोड़ जोड़ने हैं, अब ऐसे में एक ऐसा समय भी आएगा जब इनको पैसे इक्विटी से निकालने शुरू कर देने चाहिए होंगे, शायद अपने टाइम होराइजन के नज़दीक आते आते, वो रणनीति क्या होगी इनके लिए फिर? जी बिल्कुल कविता जी, बहुत अच्छा पॉइंट है। नॉर्मली हम सलाह देते हैं कि जब आप अपने रिटायरमेंट गोल के पास हैं, यानी करीब करीब 6 महीने 1 साल पहले, कोशिश करें कि आप इक्विटी से अपना पोर्टफोलियो डेट की तरफ शिफ्ट करें, ताकि आपको लास्ट मिनट सरप्राइज ना हो। तो अगर मैं संदीप जी का पोर्टफोलियो देखता हूं, तो उन्होंने काफी फंड्स, हाइब्रिड फंड्स ले रखे हैं जिसमें डेट का एक अच्छा खासा कॉम्पोनेंट है, चाहे वो बैलेंस एडवांटेज फंड है या इक्विटी एंड डेट फंड है, लेकिन कुछ प्योर इक्विटी फंड्स भी हैं। तो संदीप जी, जब आप गोल के करीब पहुंचे तो कोशिश करें इन फंड्स को भी आप डेट की तरफ शिफ्ट कर लें, और थोड़ा रिस्क और कम हो जाता है, क्योंकि लास्ट मिनट में मार्केट सरप्राइज दे सकता है, और फिर वहां पे जाके आप SWP शुरू करेंगे, उसके लिए भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि 1 साल का पीरियड आप ऐसे ही रखें, ताकि आपको कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ना देना। तो ये बात आपको संदीप जी ध्यान में रखनी होगी, और निवेश अपना बढ़ाइए, और जैसे जैसे आपका टाइम होराइजन नज़दीक आए, वैसे वैसे अपने पैसे को थोड़ा सा आप कहीं और शिफ्ट करने की कोशिश करें, जो विश्वजीत ने आपको समझाया है। आगे बढ़ते हैं, और अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं, दिनेश।
नमस्कार। हाय, वेरी गुड इवनिंग। मुझे एक सजेशन चाहिए था आपके पैनल से, स्टेटिंग कि मैंने एक लोन लिया है अभी रिसेंटली अराउंड 55 लाख रुपीज का, जो टेन्योर है उसका 20 इयर्स का। मैं अभी प्लान कर रहा हूँ यहाँ से कि मेरा 5 इयर्स में एटलीस्ट वो जो 55 लाख रुपीज का मैं लोन लिया है वही फंड में एक SIP में कलेक्ट कर लूँ और उसको रीपे कर दूँ आफ्टर अ टर्म ऑफ 5 इयर्स। तो मतलब ये था कि कौन से SIPs, अभी करंटली इतने सारे मार्केट में SIPs हैं, तो कौन से SIPs, कौन से फंड्स मुझे आप रिकमेंड करना चाहोगे ताकि आई कैन सेव अप टू 55 लाख रुपीज इन नेक्स्ट 5 इयर्स। और मैं मंथली इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है यहाँ से अराउंड 35,000 का प्लान कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा उसमें गाइडेंस चाहिए। ऑलराइट, अपने टाइम होराइजन को आप 5 साल ही रखना चाहते हैं, इसको बढ़ाना नहीं चाहते हैं? 6 इयर्स मैक्स टू मैक्स, बिकॉज़ मुझे उसमें मैक्स टू मैक्स। चलिए मैक्स टू मैक्स, ओके। ऑलराइट हेमंत सर, 5 के बजाय 6 साल पकड़ के चलते हैं, 55 लाख रुपए अगर इकट्ठा करने हो, फिलहाल 30,000 के SIP हर महीना ये कर पाएंगे, तो बताइएगा कितना इनसे जमा हो पाएगा। और वैसे इनकी स्ट्रैटेजी तो सही लग रही है, लेकिन क्या वाकई ये अचीव कर पाएंगे इतना कॉर्पस? हाँ देखिए कविता, जैसा मैंने कहा कि ओरिजिनल इनका जो टाइम होराइजन वो 5 साल का है, और कहा 1 साल का फ्लेक्सिबिलिटी है इनके पास। आई थिंक जब आप इतने छोटे समय के लिए इन्वेस्ट करते हैं, मैं 5 साल को छोटा समय बोल रहा हूँ क्योंकि आप SIP से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 साल की अगर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है तो मुझे लगता है वो काफी मदद कर सकती है इनको आगे। डिपेंड करेगा किस तरह के रिटर्न मिलते हैं, किस तरह की मार्केट कंडीशन है, कि वाकई में उनको वो जो 1 साल है उसको इस्तेमाल करने की जरूरत है कि नहीं। तो अगर हम ये 5 साल का समय मान के चलें तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत लंबा समय नहीं है, हालांकि मैं समझ रहा हूँ कि इनकी इंटेंट वही है कि वो अच्छे से अच्छा रिटर्न कमा सकें ताकि उसको यूटिलाइज कर सकें लोन की रीपेमेंट के लिए। बट आई थिंक टाइम होराइजन के हिसाब से एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना होगा जो इक्विटी हाइब्रिड और इक्विटी का मिक्स हो। हालांकि हम सभी चाहते हैं कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें अच्छा रिटर्न मिले, बट आई थिंक हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि मार्केट कभी भी वॉलेटाइल हो सकती है, ऐसे पीरियड्स हो सकते हैं मार्केट के अंदर जब आपको अच्छी रिटर्न ना मिले, नेगेटिव रिटर्न मिले, तो आई थिंक सब चीजों का ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अगर मैं इनके गोल की बात करता हूँ तो एक्चुअली 30,000 से इनका गोल पूरा नहीं होगा, इनको अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑलमोस्ट डबल करना होगा 60,000 अगर ये 5 करोड़ तक पहुंचना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, अगर मैं ये मान के चलूं कि 30,000 से भी इन्वेस्ट कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, तो वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है उनकी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर। जैसा मैंने कहा, एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए ये इक्विटी हाइब्रिड का और इक्विटी फंड्स का। तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि अगर इनको 30,000 रुपए इन्वेस्ट करना है तो 15,000 इन्वेस्ट करें एक एग्रेसिव हाइब्रिड इक्विटी फंड में जो ICICI प्रूफ इक्विटी एंड डेट हो सकता है, और जो बाकी 15,000 है वो दो इक्विटी फंड जो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के हैं, जैसे HDFC लार्ज एंड मिड कैप वहां पे 8,000 और मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड में 7,000। बट अगर इनके पास कैपेसिटी है उस रकम को बढ़ाने की, तब एक दो फंड और ऐड करेंगे तो 15,000 ICICI प्रूफ इक्विटी एंड डेट में ही रहेगा। जो दो इक्विटी फंड मैंने कहे HDFC में लार्ज एंड मिड में 15,000, मोतीलाल में 10,000, और बाकी दो हाइब्रिड फंड और निपॉन और कोटक हाइब्रिड फंड, इक्विटी हाइब्रिड फंड। तो डिपेंड करता है किस तरह की वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट जैसे मैंने कहा अगर 30,000 से करते हैं तो वो 3 फंड से शुरुआत करें। 1 साल का जो समय है वो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली मैं शुरू से उसको लेके इसलिए नहीं चल रहा हूँ क्योंकि हमें पता नहीं उस समय तक हम किस लेवल तक पहुंचेंगे, बट फ्लेक्सिबिलिटी होना डेफिनेटली इनको मदद कर सकता है। दिनेश, कोई सवाल आपको पूछना है हेमंत जी से? काफी सारे पॉइंट्स जो उन्होंने क्लियर कर दी, सो थैंक यू सो मच फॉर योर सजेशन। ओके, ऑल द बेस्ट। रितेश सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर है, नमस्कार रितेश जी। नमस्कार मैम। सर, आपने 9 फंड्स पोर्टफोलियो में डाले हैं, मैं हर किसी का नाम नहीं लूंगी, मेरा समय काफ़ी निकल जाएगा, लेकिन एक चीज़ जो मुझे कंफर्म करनी है, 20 से 25 साल तक आप इसमें रहना चाहते हैं और 1 साल से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुझे ये जानना है कि आपको कितना इकट्ठा करना है इस पोर्टफोलियो से? 2 करोड़ के आसपास मैम। अच्छा, 10,000 रुपये की आप SIP कर रहे हैं, और आपको राशि बढ़ानी भी है क्या, निवेश राशि बढ़ाएंगे आप? 7% बढ़ा सकते हैं मैम। ऑलराइट, ठीक है, तो विश्वजीत जी आपके पास आऊंगी। 10,000 का निवेश कर रहे हैं और 10 फंड्स उन्होंने पोर्टफोलियो में डाले हुए हैं, हालांकि ये ज़रूरी नहीं है कि आप 10,000 के 10 फंड्स डालें, मेरे ख्याल से 4 फंड्स में भी ये काम हो सकता था।
कैसे और क्यों ये रणनीति गलत है? एक एक हजार रुपए के इन्होंने 10 फंड्स डाल दिए हैं, और अगर निवेश बढ़ाना भी हो तो जो पोर्टफोलियो आप बताएंगे उसी में ही किस फंड में अपने पैसे बढ़ाएं, ये बताइएगा साथ में। बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 10,000 के लिए 10 फंड की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियो भी 7 फंड्स में समा जा सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर 1,000 रुपए या 2,000 के लिए आपको नया फंड चाहिए। और उसमें भी जो रितेश जी ने किया हुआ है, करीब करीब 5-6 स्मॉल कैप फंड्स हैं और 2 मिड कैप फंड्स हैं, तो बहुत ही हाईली एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। हालांकि इनके पास टाइम होराइजन काफी अच्छा है, 20-25 साल का पीरियड लेके चल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि रिस्क नहीं ले सकते हैं, बट फिर भी ऐसी आवश्यकता नहीं है कि 5-6 स्मॉल कैप फंड्स की आवश्यकता पड़े। तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ही बनाएं, और जैसा कविता जी कह रही थी कि 5-6 फंड्स में भी आपका अच्छा खासा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी बन जाएगा, और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो भी कम, रिस्क भी कम हो जाएगा और रिटर्न्स के पोटेंशियल भी कम नहीं होंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरे हिसाब से बहुत सारे फंड्स हैं, तो नाम लूंगा तो फिर वही रहेगा कि बहुत समय लग जाएगा, तो मैं 5 फंड्स जो आपको बता रहा हूँ जिसमें आपके ऑलरेडी कुछ कुछ निवेशक भी हैं, जैसे निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है तो इसमें आप 2,500 रुपए निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इसमें 2,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी है आपके पास, उसमें भी 2,000 रुपए निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप और HDFC फोकस 30 फंड, तो ये 5 फंड में आप अपना 10,000 रुपए डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। 2,000-2,500 रुपए करके आप डाइवर्सिफाई करें तो आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। जो आपने 5-6 स्मॉल कैप फंड लिए हुए हैं वो बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो मेरी ये सलाह रहेगी इन 5 फंड्स में आप डाइवर्सिफाई करें, और अगर आप बढ़ाना भी चाहते हैं तो आप इन्हीं 5 फंड्स में और रकम भी बढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको हर बार नया फंड की आवश्यकता हो। जहां तक कि आपका 10,000 रुपए जो शिफ्ट कर रहे हैं, अगर हम 12% का CAGR लेके चले तो 20 साल में ये करीब करीब 1 करोड़ रुपया बन जाता है, और 25 साल में वही 5 साल के पीरियड का अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये करीब करीब 1,90,00,000 बन जाता है। तो कोशिश करें जितना लंबा समय रखें उतना आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ होगा, म्यूचुअल फंड्स का पूरा एडवांटेज मिलेगा, और अपनी सिप अगर कोशिश करें हर साल स्टेप अप करते रहें, 5%, 10% जैसे आपको पॉसिबल हो वो करें, तो इससे इसके अलावा भी जो 1,90,00,000 मैंने बताया और डबल पोर्टफोलियो बन सकता है, कॉर्पस काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि आपके पास बहुत अच्छी लंबी अवधि है जिसमें आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो ये स्मॉल कैप फंड्स को कम करके ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को अपनाएं ताकि आपका रिस्क बहुत कम हो जाए। कोई और सवाल पूछना है विश्वजीत को? हेलो, कोई और सवाल पूछना चाहते हैं आप? जी मैम, पूछिए। मैम, जो स्मॉल कैप फंड में जो और सारे पैसे पड़े हुए हैं उसको क्या विड्रॉल कर लेना चाहिए या उसको छोड़ देना चाहिए उसमें? हाँ विश्वजीत जी, जो आपने रोकने के लिए कहा है उसका क्या करें? हाँ जी बिल्कुल, आप अभी आप कुछ पहले तो शुरुआत में सिर्फ रोक दें और कोशिश करें जब 1 साल का पीरियड हो जाए, क्योंकि हो सकता है कई फंड्स में आपके पास शायद एग्जिट लोड देना पड़ेगा अगर पुराने फंड्स नहीं है, तो अगर एग्जिट लोड नहीं है तो आप वहां से निकल भी सकते हैं और नए फंड्स जो मैंने आपको बताए उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर 1 साल का पीरियड कम है तो आप 1 साल के लिए ब्रेक कर लें और SIP बिल्कुल रोक दें और जो नए फंड्स में है उसी में शुरुआत कर दें। ऑल द बेस्ट रितेश। कमल किशोर साहब फोन लाइन पर है, नमस्कार। नमस्कार। ऑलराइट, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, मेरा एसेट का टैक्स सेवर भी है, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है आपके पास, और 10 साल के लिए ये फंड्स आपने इकट्ठा कर रखे हैं और 6,000 के SIP आपको और बढ़ानी है, 10 से 12 साल के लिए आप इसको रखेंगे पोर्टफोलियो को, और आप कह रहे हैं कि और कोई फंड अगर जोड़ना हो तो वो कौन सा होना चाहिए? ठीक है, ये पोर्टफोलियो में आपने कब से निवेश शुरू किया है? 2 साल पहले किया है। चलिए ठीक है, और 6,000 रुपए के लिए आपको कौन सा फंड लेना चाहिए बताएंगे, और साथ ही ये जो फंड मिक्स है वो भी कैसा है? तो हेमंत जी, फिलहाल का फंड मिक्स आपको कैसा लग रहा है इनका? हेमंत सर, तो डेफिनेटली जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये अच्छा समय है अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, तो जो इनकी स्ट्रैटेजी है वाइज आती है वो बिल्कुल बिल्कुल सही कर रहे हैं यहाँ पे, और जैसा उन्होंने कहा कि 19,000 की SIP कर रहे हैं अभी और 6,000 से बढ़ाना चाहते हैं,
तो आई थिंक फंड का मिक्स ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो शायद कैटेगरी वाइज तो ठीक है, पर मुझे लगता है कुछ सिलेक्शन जो है उसमें बदलाव करने की जरूरत है, स्पेशली क्योंकि 10 से 12 साल का समय है, तो अगर ये थोड़े बेहतर फंड में जाए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ पोर्टफोलियो, इन टर्म्स ऑफ कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस, तो मुझे लगता है उनके लिए वो बेहतर रहेगा। तो कुछ एक फंड की बात करते हैं जो एग्जिस्टिंग फंड है, जैसे इनके पास पराग पर एक फ्लेक्सी केयर फंड है, उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, 5,000 की इन्वेस्ट कर रहे हैं वो, और जो 6,000 जो इनको इन्वेस्ट करना है वो भी इन्हीं एग्जिस्टिंग फंड जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उनमें ही करेंगे, तो उसमें से 2,000 यहाँ पे बढ़ा दें, तो कुल मिला के जो SIP का जो अमाउंट है पराग पर एक फ्लेक्सी केयर में वो 7,000 हो जाएगा। इनकी जो ELSS है उनके पास वो मेरा ही टैक्स सेवर में इन्वेस्ट करें, मुझे लगता है मोतीलाल ओसवाल की जो टैक्स सेवर है वो इनके लिए एक बेहतर ऑप्शन रहेगी। फिर एक और है इनके पास मेरा ही एसेट इमर्जिंग, तो मुझे लगता है वहां पे भी अगर ये HDFC लार्ज एंड मिड को देखते हैं तो वो बेहतर है, वहां पे 2,000 रुपए एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी वो कर सकते हैं। मिड कैप के अंदर एक्सेस मिड कैप फंड है, और वहां मुझे लगता है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप एक बेटर ऑप्शन रहेगी इनके लिए, वहां पे भी 2,000 रुपए वो ऐड कर सकते हैं, और SBI स्मॉल कैप की जगह में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप देख सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा ब्रॉडली कैटेगरी जो है वो सही है, कुछ फंड्स में फंड्स कैटेगरी के अंदर फंड्स को चेंज करने की जरूरत है, और जैसा मैंने कहा जब आप बदलाव करेंगे तो वो जो एडिशनल अमाउंट है वो 3 फंड मैंने बताया इनको, जहां पे 2,000 करके वो अपने SIP को इंक्लूड कर सकते हैं। कमल कोई और सवाल पूछना है इमन जी को? जी थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चलिए तो सवाल जवाब का सिलसिला तो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन अब सीधा रुख करते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। विश्वजीत जी बताइए आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या होगा? जी बिल्कुल कविता जी, मैंने कुछ आंकड़े देखे उसमें ऐसा नजर आया कि बहुत सारे लोग अब स्मॉल कैप फंड में तो निवेश कम कर रहे हैं, लेकिन थीमेटिक फंड्स में उनका निवेश काफी बढ़ गया है, क्योंकि सुनने में भी थीमेटिक फंड्स काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं कि अच्छी स्टोरी होती है उनमें, और NFOs की भी बहाल चल रही है। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप थीमेटिक फंड्स का ओवरऑल पोर्टफोलियो में 15-20% से ज्यादा निवेश ना करें, और वो भी उसी थीम में निवेश करें जो आपको समझ में आती है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट बहुत क्रूशल होती है। हो सकता है कि आप उस थीम में एंटर कर रहे हैं जहां पे ऑलरेडी रिटर्न्स बन चुके हैं, और क्योंकि लोग निवेशक ऐसा फॉलो करते हैं कि पुरानी रिटर्न्स जहां पे अच्छी होती है उसी में एंटर करने की कोशिश करते हैं, और इसके अलावा कभी कभी लंबा समय लग जाता है एक थीम को प्रूव करने में, प्ले आउट करने में, तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको उस थीम से कब निकलना है। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल अलाउ करता है तभी आप थीम में एंटर करें, और आप थीम को समझते हैं तभी थीम में एंटर करें। दूसरा थोड़ा सा एक पॉइंट और ऐड करना चाहूंगा, कुछ लोग इलेक्शन को लेके टाइमिंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो मेरा सलाह ये रहेगी कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट प्लान है उसी पे स्टिक रहें, जितना टाइम आप लंबा समय निवेशित रहेंगे वो इम्पोर्टेंट है, ना कि टाइमिंग द मार्केट। राइट हेमंत सर, आपका गुरु मंत्र क्या होगा निवेश का? कविता, एक बेसिक चीज पे एम्फेसाइज करना चाहूंगा जो बेसिक तो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी जानते हैं कि SIP से इन्वेस्ट करना एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रेटेजी है, स्पेशली जब आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हो और लॉन्गर पीरियड जब आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन 2-3 चीजों का बातों का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहीं पे ज्यादातर इन्वेस्टर जो गलती करते हैं। एक तो एक ही गोल के लिए बहुत ज्यादा फंड मत रखिए, जैसे हमने अभी शो में भी देखा कि अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 10 फंड में कर रहे हैं तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन है, उसको मॉनिटर करना मुश्किल होगा। तो एक तो ये ध्यान रखिए एक गोल के लिए जो फंड्स है वो बहुत ज्यादा ना हो, दूसरा सही फंड का चुनाव कीजिए, यानी पहले देखिए कौन सी एसेट क्लास में जाना है और उसमें उन फंड्स को देखिए जो कंसिस्टेंसी परफॉर्म कर रहे हैं, और जो आपको जिस एसेट क्लास को आपने चुना है उसका सही मायने में आपको फायदा उठा के दे सके। तो दो चीजों का हमेशा ध्यान रखिए, SIP में होने के बावजूद भी अगर आपको फायदा नहीं होगा अगर आपने इन दो चीजों के ऊपर ध्यान नहीं रखा, तो अगर आप इसको ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि आपके जो रिजल्ट्स हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड कहीं बेहतर होंगे। ऑलराइट, चलिए इसी के साथ आज शो को भी यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, ही समय निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, और अगर आप भी अपने सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आसान तरीका है, व्हाट्सएप कर दीजिए अपने सवाल, भले ही म्यूचुअल फंड को लेकर कोई कन्फ्यूजन हो, इंश्योरेंस पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट स्कोर, लोन या टैग से जुड़ा कोई भी पेज हो, हमारे एक्सपर्ट्स के पास आपके लिए सलाह तैयार है। सवाल व्हाट्सएप करें, यूट्यूब पर भी भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए, आपके शो पर लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे।